लक्ष्मी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है, हैं? लक्ष्मी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हाँ जी, तो एक तो जो वैष्णव देवी के तो पहली लक्ष्मी है बाबा से उनको ज्ञान मिलता है, बाकी जो नंबर वन लक्ष्मी है तो नंबर वन नारायण से ज्ञान मिलेगा क्या? ज्ञान एक से मिलता है ये बुद्धि में धारणा रखनी है कि ज्ञान अनेक से मिलता है ये बुद्धि में धारणा रखनी है? ज्ञान देने वाला जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा या अनेक ज्ञान देंगे? फिर रावण राज्य से ज्ञान होगा, अरे वो मिलेंगे भी नहीं, मुंह फैलाए बैठे आ जाओ। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है और जैसे राधा कृष्ण को दिखाया गया है, राधा कृष्ण एक दूसरे की तरह प्यार से देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, इंद्रियों का कोई संयोग नहीं, अति इंद्रिय सुख लेंगे, संग रहेंगे, संग बुद्धि से रहेंगे, वो बुद्धि का साथ उन्हें चित्रों में साथ साथ दिखाया गया है। क्या ये संपन्न स्टेज है जो अंदर से साफ होता है उसको साथ साथ शरीर से रहने की दरकार ही नहीं है? ये संगम युगी स्टेज है। संगम युगी स्टेज में लक्ष्मी जी आएंगे नारायण का पास, वो ठीक है, वो गायन के लिए, गायन के लिए है कि राधा जो है वो कृष्ण के गार्डन में आएगी, मिलेगी जुलेगी, वो ठीक है, इतना तक ठीक है, लेकिन वो संयोग हो जाए और उस संयोग से बच्चा पैदा हो जाए इंद्रियों के संयोग से, वो नहीं होगा। ये पूछ रहा है बुद्धि से साथ साथ रहेंगे, इसका यादगार है। तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तुम्हारा मिलना जुलना होता है सामान्य रूप से तो पहचानते नहीं? अच्छा, नहीं मिलेंगे शरीर से साथ साथ तो क्या नहीं पहचानते हैं? पहचानते नहीं है, संकल्प खींच लेगा वो भगवान में झूला झूलेंगे ऐसा कुछ है? ये सब भक्तों की बातें हैं स्थूल, और ज्ञान की बातें हैं बेहद, ये ज्ञान का झूला है। ज्ञान ज्ञान में हम झूलते हैं तो कभी बहुत ऊंची स्टेज में चले जाते हैं, अनुभव करते हैं कि हमने जो पाया तो किसी ने नहीं पाया, और कभी माया नीचे गिराती है तो एकदम जमीन छूने लगते हैं, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में। ये जो भी कुछ माने खराब काम करते हैं माया आकर तो गिराते हैं, ये शक्ति कौन है? ये जो माया शक्ति है जो भी कुछ करते हैं तो माया आते हैं अटैक करते हैं, तो ये शक्ति कौन है? अपने पूर्व जन्मों के संस्कार संग करने के, पूर्व जन्मों के संस्कार, लेकिन मेरा आत्मा सबको थोड़ी बुरा काम किया लेकिन कोई माया आके हमको पनिशमेंट दिया। कोई वाइब्रेशन है जो हमारा पीछा करता है, अच्छा वाइब्रेशन भी पीछा करता है और बुरे वाइब्रेशन वाली आत्माएं भी पीछा करती है। ये बुरा वाइब्रेशन जो आते हैं, हाँ जी, ये तो टाइम टू टाइम जो भी कुछ मिस्टेक करता है तो भी पनिशमेंट मिल जाता है, तो इमीडिएटली कौन वाइब्रेशन आता है, कहाँ से आता है? ये हमारे पूर्व जन्म को किए हुए कर्मों के अनुसार वो वाइब्रेशन आ जाता है, कोई 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 दूसरा करने वाला नहीं है, किसी दूसरे को दोष भी नहीं देना चाहिए। अच्छी अवस्था हमारी तब बनती है जब पूर्व जन्म का किया हुआ सुकृत रील में घूमना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हम न चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो भी अवस्था अच्छी जाती है, और कभी ऐसा होता है बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुसंस्कार पूर्वजन का जागृत हो जाता है और रील में घूमता है और हमारी अवस्था डाउन हो जाती है। तो ड्रामा अनुसरी होता है, ड्रामा अनुसरी अंदर में होता है, होता है, कोई ऐसा पार्टिकल चैतन्य कोई आत्मा नहीं है जो आके डिस्टर्ब करते हैं? अरे कोई ना कोई आत्मा है हमारे लिए निमित्त बनी कि नहीं पूर्व जन्म में, उन्हीं का वाइब्रेशन हमारे लिए निमित्त बन जाता है। माता जी पूछ रहे राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? आप पूरी मुरलियां का पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे,
वही वही बात है, बार बार मुरली में बताई गई है, बार बार क्लैरिफिकेशन में कैसे में बताई गई है, वो सुनेंगे ही नहीं तो बोल वही बात है, सब आप पूछते रहेंगे। बुरा ना माने तो एक बात, अच्छा बाबा बुरा मानते बाबा कलिजिंग, तो जो कलिजिंग था जो जो धर्मों की आए आए है उसका दिखाते हैं, जो तूर पोशाक दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, वो बहुत हल्का एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। हाँ तो अभी जो धर्म पिता आया है, नया धर्म स्थापन करने आया है, तो उसका पोशाक दिखाते हैं बहुत गंभीर पोशाक, जब शीतकाल के विंटर सीजन में बहुत पोशाक दिखाते हैं, विंटर सीजन जब बहुत गर्मी पड़ती है, शीत टाइम में बहुत पोशाक दिखाते हैं, और गर्मी में बहुत हाथ में कुछ पहनते हैं, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन भक्ति का तो ज्ञान है, भक्ति करना माना है, थोड़े ज्ञान में जब चलते हैं तो प्रजापिता का पास देखते हैं क्या बहुत शरीरों को अच्छे पोषा है, और इतना लंबा लंबा क्यों बनाते हो, वैसे ही बोल दो ना सीधा सीधा, इसका जानने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन तक भी खांसी आती रही और शुगर की बीमारी रही, इसका राज क्या है? जो हिंदू होंगे वो पूर्व जन्म की तरफ उनकी बुद्धि चली जाएगी, जो मुसलमान और क्रिश्चियन होंगे उनकी बुद्धि जाएगी नहीं पूर्व जन्म में, तो अक्षर से पैदा ही होता रहेगा। पूर्व जन्म मैंने सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना? पूर्व जन्म में याद आएगा तभी तो बुद्धि में आएगा, हमने खराब कर्म किया तब तो हमारा ये हाल हो रहा है, अभी हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा हाल हो जाएगा। का शुगर से भी था। क्यों नहीं? बाबा को ब्लड प्रेशर भी बोला है, क्या समझ सुना है? हाँ तो क्या हुआ? वो क्या ब्लड प्रेशर डॉक्टर, वो ये जो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी कोई दूसरी होती है, और दूसरी बीमारी ठीक हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। शिवबाबा को तो टट्टी पैसा भी नहीं करना चाहिए, शिवबाबा है भोजन ही नहीं करना चाहिए, शिवबाबा है उसमें तो पानी नहीं पीना चाहिए, अरे शिवबाबा है भगत पूरा बैठ गया। भगवान जो भी होता है तो कुछ नहीं जरूरत, भगवान जिस तन में होता है, अब भगवान कहते मैं साधारण तन में आता हूँ तो साधारण कर्म करूँगा या असाधारण कर्म करूँगा? साधारण तन में आता हूँ तो जैसे साधारण कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से वैसे ही कर्म करेगा। वो किसी को नियम तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तौर में आएगा उस तौर को तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा, वो उसकी मर्जी, काम कराना होगा तो करेगा, नहीं कराना होगा तो नहीं करेगा। लेकिन बीमार के लिए तो उस तौर को अपना इंटरेस्ट अनुसार अपना काम करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कड़ी मना करे वो उनका मर्जी है, लेकिन आपका बीमार होगा तो आपको दिखना ही पड़ेगा। हमारा क्या बीमार, दुनिया में सभी बीमार, सभी का सभी का देखता हूँ, ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट खर्चीला ट्रीटमेंट अपने बस का रोग नहीं है, दूसरों का पैसा आता है, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे कमाता है, कितनी परेशानी में कमाता रहा, अपने बच्चों को दूध में न पिला करके यज्ञ में देता है, तो उसके पैसे की कदर नहीं करनी चाहिए? जरूर तो बाहर जो कभी कभी बोलता है जो पाथर लगाने से भी एक रिजल्ट आता है, तो कोई कोई जगहों में हमको पूछते हैं कोई कोई पाथर लेता है ना, विभिन्न स्टोन लेते हैं, स्टोन स्टोन पड़ना की ठीक है वो तो
मैग्नेटिक थेरापी है। ये जो नौ पत्थर होते हैं नौ रत्नों के, उनका अपना अपना प्रभाव होता है। ऐसे नहीं कि वो 100% प्रभाव करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं। बाकी ये नहीं है कि भाई अब हमको कुछ भी यूज नहीं करना है, दवाई भी नहीं खाना है, हमको मैग्नेटिक थेरापी नहीं करना है। जो जो कुछ करता है तो करता है, हम तो स्वीकार करेंगे। किसी की भावना है तो क्या उसको ठुकरा दे? उंगली में अंगूठी वगैरह पहनना है, रत्नों का अंगूठिया पहनना। हाँ ये देखो पहनाई हुई है किसी ने तांबे की, उससे कुछ है बीमार का कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण अपना है, हमारा दृष्टिकोण अपना है। तांबा जो है वो ठंडा होता है, और तांबा जितने जितना ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए उतना उतना तांबे की मात्रा बढ़ाते जाइए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, सारा काम करते रहेंगे। लेकिन जिससे ज्ञान मार्ग में हम लोग बोलते हैं एक बार एक भरोसा, हाँ एक बार एक भरोसा, हाँ। और हम लोग ये भी जानते हैं ड्रामा इज फिक्स्ड, हाँ। तो जो भी ड्रामा फिक्स है एक बार एक भरोसा करेगा, हाँ, तो हम स्टोन फोन कुछ नहीं लेगा। हमें तो इतना विश्वास नहीं कि हमारे अंदर शिव बाबा आता है, अंगूठा भी नहीं, ये तो आपने लिख के दिया। लेकिन जिसका विश्वास है आप तो पहना, नहीं पहना उतार लो, किसी ने छीन लिए, किसी गीता पाठशाला वाले ने उतार के रख लिए, क्या ये डिस्टर्बेंस होती है? कोई पहना भी लिया होगा, कोई पहनाता है कोई उतार लेता है। मूल्य हो चाहे चाय के मूल्य हो, इसमें हिंदी का और इंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द आता है तो गीता पाठशाला में माताओं का समझने में दिक्कत होता है, तो कोई भाई उसको क्लियर कर दे, ट्रांसलेट कर दे, समझाते अच्छा तरह, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं ना? नहीं, कभी कभी इंग्लिश शब्द आते हैं, उर्दू के भी आते हैं, सिंधी के भी आते हैं, समझ में नहीं आते तो पूछता है। हिंदी के भी बहुत कठोर कठोर शब्द आते हैं, तो क्लियर कर देने वजह क्या है? ना कोई कोई बोलता है ना भाई पास नहीं बोलेंगे, भाई भाई बोलेगा अपनी बेइज्जत हो जाएगा, बाबा से बात आ सकता है। कोई शब्द का अर्थ बताना ये कोई ज्ञान होता है क्या? बातचीत भी नहीं करना चाहिए, ये तो बाबा ने बोला ज्ञान की लेन देन करो, विचार सागर मंथन करो, वो बातचीत नहीं करना चाहिए, ज्ञान का लेन देन नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मा कुमारियों में जो बात चल रही है वो यहाँ भी चल सकती है, चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होना नहीं, ब्रह्मा कुमारियां भी तो यही चाहती है कि आप मुरली सुना दे, फिर उसके बाद कोई क्लास में हाँ डिस्कशन न करे, वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, तो इसके लिए वो अपनी बात करे, आप अपनी बात करो, हमारे क्या जाता है। वो तो एक ही पार्वती निकलेगी जिसकी बुद्धि इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के अंदर न टिके, जिसकी दृष्टि किसी भी मनुष्य के पीछे दुलायमान ना हो, उस पार्वती का गायन तो 100% संपन्न है, बाकी परसेंटेज में चले जाते हैं। माना जो 21 जन्म की साथी होगी बाबा, ये 21 जन्म जन्म जन्मांतर का साथ है ना शंकर पार्वती का, तो 21 जन्म के साथी जन्म तो पूरा ही साथ है, लेकिन जो और 63 जन्म है उनमें दूसरे दूसरे संबंध भी तो बनेंगे दूसरों के साथ। वहाँ सिर्फ एक के साथ राधा का कृष्ण के साथ एक ही संबंध है, दूसरा जन्म जन्मांतर वो एक ही संबंध चलेगा, लेकिन त्रेता वो द्वापर युग से संबंध अनेक प्रकार के हो जाते हैं। सत्य त्रेता में सिर्फ एक ही संबंध रहता है, माँ बाप और बच्चे, और वहाँ तो संबंध भी झड़ी लग जाती है, ढेर सारे संबंध हो जाते हैं।
तो अंतर पड़ जाएगा ना, थोड़ा बुद्धि खींचेगी ना दूसरे दूसरे संबंध में। पति पत्नी के रूप में एक ही रहेगा, बाकी दूसरे संबंध भी तो बुद्धि खींचते कि नहीं खींचते। लेकिन ज्यादा याद कौन से संबंध में आती है? पति के संबंध में ज्यादा, पति पत्नी के संबंध में ज्यादा याद आती है। पति पत्नी के रूप में रहेगा, यही तो खासियत है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा ऐसी है जिसका कोई और दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में संबंध नहीं जुड़ता है, इसलिए ये प्रतिष्ठित की हुई है। मैं तो रहूं कुंवारी, या तो कुंवारा जीवन व्यतीत करूंगी या तो वरण करूंगी, तो संकल्प करूंगी नहीं जो पुरुष का जन्म। मन की प्योरिटी में कुछ आंच आती है तो ले जाता है, रावण सीता, जब रावण सिर्फ सोने की सीता को ही नहीं ले जाता है, इसकी आधीनता में कोहिनूर हीरा भी चला जाता है। इसका बेहद हीरा भी रावण की आधीनता में चला जाता है। सीता के साथ सीता ही चली गई तो राम रह जाएगा क्या? एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो वो जो बाप है वो तो बांधा हुआ है ना, किससे बांधा हुआ है? सीता के साथ। सीता का ही पतन हो गया तो सारा घर परिवार सब उजड़ गया, फिर क्या रह गया? बाबा एक ऐसी कल भी एक प्रश्न ऐसे पूछा था कि जब ब्रह्मा कृष्ण की सोल भी अभी राम की सोल फिर एक मिक्स पार्ट है, और जब वो दुर्जाता जी के तन में जाती है और बाप की सोल भी है शिव पिता की, दुर्जाता जी में नहीं, दुर्जाता जी में नहीं, उनकी तीन आत्माएं है ना, मिक्स जब ब्रह्मा की जब कृष्ण की सोल को दादाजी में जाती है सूक्ष्म शरीर से, तो वो धारणाओं की बात तो हमेशा करती, वो हमेशा धारणाओं की बात ही सुना देव आत्मा होगी वो तो धारणाओं की बात करेगी। नहीं मेरे ख्याल मेरे आपसे प्रश्न पूछने का ये है कि जो मतलब क्या ये सब कुछ पहले से ही उनके मन में विचार आ जाता है, क्योंकि शिव पिता भी तो राम की सोल में है और कृष्ण की आत्मा भी राम की सोल में है, तो जब वहाँ जाती हैं सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं गुलजार दादी में, तो क्या पहले से प्री प्लान्ड होता है कि वो वैसे ही धारणाओं की क्लास चलाती कि जैसे एक, 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 एक समझने की बात है, चोर डकैत होगा वो चोर डकैती की ही बातें सुनाएगा ना, क्या सुनाएगा? जो बिजनेसमैन होगा वो कौन सी बातें करेगा? बिजनेस की बातें करेगा। तो जो देवात्मा है ही देवात्मा, वो तो धारणाओं की ही बात करेगी और कौन सी बातें करेगी? तो जो भी अद्वैत वाणी है वो सब धारणाओं की वाणी है, इससे भी साबित होता है कि कृष्ण की सोल ही वाणी चला रही, सिर्फ तो ज्ञान की बातें सुनाता है, धारणा की बातें आके भी सुनाया ऐसे तो नहीं, धारणा की भी सुनाता है ऐसे, लेकिन अद्वैतवाणी में मोस्ट नहीं पॉइंट जो होते हैं वो धारणा के होते हैं। इनके एक्चुअली पूछने का महत्व ये चाहते थे कि इनको क्या राम बाप प्लान करके भेजता है क्या? प्लानिंग करेगी राम बाप में तो, राम बाप में तो वो धारणा है ही नहीं, राम बाप में भेजते राम बाप जो राम बाप में धारणा हो तो सारी रुद्रमाला के मणकों में धारणा हो जाएगी, रुद्रमाला के मणकों में धारणा क्यों नहीं है जो विजयमाला में धारणा है? प्योरिटी की धारणा रुद्रमाला के मणकों में है क्या? रुद्रमाला के मणकों में ही प्योरिटी की धारणा नहीं है तो वहां जाकर के धारणा की वाणी राम वाली आत्मा कैसे प्लानिंग करके भेजेगी? वो तो उस आत्मा के अंदर ही संस्कार भरे हुए हैं। ये तारीख मतलब कैसे देते हैं? ये तारीख मतलब वो तो दीदी दादियों ने सरेंडर किया ब्रह्मा बाबा को,
और नियम फिर ये बनता है कि जिन्होंने उनको सरेंडर किया वो फिर उनको सरेंडर हो जाते हैं। राजपिता तो पूरा करना है कि नहीं करना, इसलिए वो जब बुलाती है आओ तो वो आ जाते हैं, जाओ तो चले जाते हैं। बाबा फिर उनका जैसे बोले ना ब्रह्मा जिस सन में आते हैं तो उस सन का नाम पड़ जाता है ब्रह्मा। जिस तन में ब्रह्मा तन आते नहीं बोला, ये बोला है मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा है। कौन बोलता है? ब्रह्मा नहीं बोलता है, शिव बाबा बोलता है। वो शिव की बात है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा। तो वो लाला जी को कोई तो ब्रह्मा थोड़ी कहता है, उनके तन में ब्रह्मा आते हैं बाबा। जब धारणा की वाणी चल रही है तो कौन सी आत्मा धारणा की वाणी चला सकती है? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा से बड़ा देवता तो कोई है ही नहीं। सतयुग का पहला देवता कौन है? ब्रह्मा जी तो पहला देवता है। कहेंगे उसका पिता नहीं, पिता है लेकिन वो तो भगवान है, भगवान भगवती की कोटि है, वो कोई देवता थोड़ी है। वो देवता बन जाए तो इस सत्य का विनाश कौन करेगा पापों पाप की दुनिया में? बाहुबल से कोई भी विश्व का राजा नहीं बन सकता। बाहुबल से विश्व का राजा नहीं बन सकता। योग बल से, अहिंसा के बल से, वो भी डबल अहिंसा के बल से। तो डबल अहिंसा के बल से का क्या मतलब? डबल अहिंसा बनने के बल और योग बल, याद और याद भी चाहिए और प्योरिटी भी चाहिए। प्योरिटी में प्योरिटी में नीचे गिरता रहे तो बुद्धि की शक्ति से क्षीण होती रही। विश्व रूप पर भेजेगा आप क्या प्राप्त करेगा? बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती रहे और साथ साथ तन की शक्ति भी बढ़ती रहे, सात्विक बनती रहे। तन क्षीण होता रहा, तन के द्वारा पीओटी क्षीण होती रही तो वो दृष्टि कला आ जाएगी। कोई भी अनुभव करता है ब्राह्मण ज्ञान में चलने वाला, जिन दिनों पवित्रता की स्थिति ज्यादा अच्छी रहती है उनमें ज्यादा याद अच्छी आती है और पवित्रता से नीचे गिरते हैं तो याद उड़ जाती है। जब माया नीचे गिरा देती है तो अवस्था नीचे गिर जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं तो वो उत्साह में रहते हैं। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। मुरली में कई बार आया है कि बच्चे परम धाम को नीचे उतार दे, तो बच्चों की वो अवस्था जो परम धाम को नीचे उतारने की है वो 2018 जब जन्म होगा राधा कृष्ण का उस समय से शुरू होगा या उसके बाद? अरे पहले सर्व स्थापन होगा कि पहले शांति धाम स्थापन होगा? सुखधाम शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे, ये अलग अलग खुलेंगे, साथ साथ खुलेंगे। अगर शांति धाम ही नहीं बने, शांति धाम की स्टेज ही नहीं बनेगी, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी तो राधा कृष्ण के बच्चों का जन्म का सवाल ही नहीं। जगदम्बा का वाहन शेर है, शेर जैसी आत्मा उसको भी बस में कर लेती है। इतना प्यार चाहिए ना, इतना इतने ही चाहिए ना, और पवित्र इतने ही चाहिए ना। थोड़ा इस बच्चे को भी, थोड़ा उस बच्चे को भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी, ऐसे नहीं। माँ में ही कम याद करो। इसलिए भारत भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है। शेर भी वो शेर नहीं, बड़े मोड़े वाला, वो तो बुद्धू होता है, टाइगर, बुद्धि होता है,
मौका देख करके हमला करता है। ब्रह्मा बाबा की तरह हार अपना ही हार फेल कर ले। देनिया भी दो तरह की दिखाई जाती है, एक सिंह वाहिनी बबर सिंह के ऊपर, बबर शेर के ऊपर, और एक होती है कादम्बरी बाघ के ऊपर सवारी करने वाली। शेर जैसी आत्मा जो है उसका बकरी जब सिंघनी बनती है तो उसकी सवारी कर लेती है। बकरी सिंघनी बनती है मुरली में है, 22nd, 3rd, 6th, 7th। हाँ, प्यार आना चाहिए ना, प्यार भी ऐसा हो जो कानून को तोड़ने वाला ना हो, कानून के दायरे में बंधा हुआ हो। प्यार तो है लेकिन कानून बिल्कुल नहीं, कायदा कानून बिल्कुल नहीं मानना। प्यार अंदर भरा हुआ है लेकिन कायदा कानून कहता है कि निराकार साकार का मेल बाबा कहा जाता है, तो कौन से बाबा को प्यार करते हैं? ब्रह्मा बाबा से प्यार करते। वो तो शरीर ही छोड़ गए, भक्ति मार्ग से याद करते, वैसे याद करते हैं सुप्रीम सोल को याद कर। बाबा कहाँ है शिव सुप्रीम सोल? तो बाबा ही नहीं, कायदे कानून का तो प्यार हुआ नहीं। फर्स्ट क्लास माला है आज की, सेकेंड क्लास माला है 108 की, थर्ड क्लास माला है 16108 की। तो ब्रह्मा के जो हजार भुजाएं हैं वो किस माला है? 16108 में पहले 1000 नहीं होंगे? 16108 है उनमें पहले 1000 है वो कहाँ चले जाएंगे? 15,000 के मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ हुए ना, इसलिए 108 में 8 भी हुए हैं। 108 में 8 श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही 16,000 जो पहले 1000 है 1000 ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे 9,00,000 में पहला जो 1,00,000 है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो 9,00,000 में 9 धर्मों के हो गए कि नहीं, 9 धर्मों के कनेक्टेड हो गए। उनमें से सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी होंगे, 1,00,000 है वो सूर्यवंशी, तो 1,00,000 चंद्रवंशी हो गए। तो जब रुक जाएंगे रहते हैं कितने कार्यक्रम बनाते हैं? 1,00,000 2,00,000 बोला लाख बनाते हैं, नहीं तो 2,00,000 बना, इससे ज्यादा तो कोई बना ही नहीं पाता। सुबह से लेके बनाना शुरू करते हैं और शाम तक बनाते रहते हैं, शाम को बने बनाए सब बिगाड़ देते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ अकाल तख्त रखा हुआ है, है। बैठने की जगह बनाई है वो काट का बनाया हुआ है, माने कोई कठबुद्धि आत्मा है जिसको उन्होंने अकाल तख्त नाम दिया, ये आत्मा यहाँ बैठती है। क्या ये अकाल तख्त है? तो बेहद का अकाल तख्त है, आत्मा यहाँ विराजमान है। सुप्रीम सोल आता है तो कहाँ बैठता है?
यहाँ बैठता है, तो यहाँ बैठता है वो अकाल तत्व होना चाहिए, तो वो बैठता है प्रजापिता में, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं है, सिखों की बुद्धि में। वो अंत में जाकर के समझते हैं जब दोपहर के 12 बजते हैं, ज्यादा सूर्य तेज चमकता है तब उनकी बुद्धि में समझ में आता है कि हाँ ये अकाल तत्व है वास्तव में, पट बुद्धि को बना लेते हैं अकाल तत्व। इसके लिए कहते हैं राज करेगा अकाल का, पहले कहते थे अकाल तत्व को स्वर्ण मंदिर में पुलिस नहीं आ सकती, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, तो पुलिस घुस गई। बिहार में योग नहीं पहन रहा हूँ, काशी माने क्या, काशी माना क्या, तेज को धारण करने वाली कौन सा तेज है, और जो कन्या माता है वर्तमान समय में जिस समय सूर्यवंश तैयार होता है, सूर्यवंश का ग्रुप प्रत्यक्ष होता है उस समय, और जो कन्या माता है यज्ञ में है वो उतना एक्यूरेट याद नहीं करती है, जैसे विजय वाला की हेड है तो दिल्ली भी याद कर रही है, एक्यूरेट याद है नहीं। अच्छा रुद्रमाला में जगदम्बा है, वो तो रास्ता ही बदल गया, महाकाली बनना है उनको, तो वो तो रास्ता ही दूसरा हो गया, तो वो भी असली याद नहीं कहेंगे कि, तो कौन है ऐसा जो असली याद में टिका हुआ है, काश्य याद के तेज में टिका हुआ है, जहाँ शंकर की नगरी दिखाई जाती है शास्त्रों में, काशी कहते हैं त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी नगरी बसी हुई है। काशी नगरी में बैठे बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य रहते हैं, वहां से टाइटल मिलते हैं, श्री श्री सरस्वती सरस्वती निधि महाराज, अखंडानंद जी महाराज, अभी एक का टाइटल अभी किसी कोई माता को कोई दिया, श्री श्री श्रद्धा श्रद्धेश्वरी माता, श्री श्री 108 श्रद्धेश्वरी माता, बनारस से टाइटल मिला। हाँ पता नहीं अभी कौन सी माता है, कुछ नहीं है शक्ल कुछ नहीं दिखाई, खाली नाम दिखाया कि वो आ रहे हैं, श्रद्धेश्वरी माता श्री श्री 108 श्रद्धेश्वरी माता, श्रद्धेश्वरी माता श्रद्धावानों की माता, श्रद्धावानों की ईश्वरीय माता, जितने भी श्रद्धा रखने वाले हैं उनकी उनकी कंट्रोलर, ईश्वरी माने कंट्रोलर। बाप से बार बार सेवा लेंगे तो हिसाब किताब क्या बनेगा, चुप्पू करना पड़ेगा, सरकार को चुप्पू करना पड़ेगा, ओके लगातार से ऐसा कितना बोलता है तो सेवा लेना है, चलो ना माने बाप का फर्ज है, एक बार समझाना दो बार समझाना तीन बार समझाना तो बाप का फर्ज है, लेकिन अब दो दो तीन तीन बार समझा दिया फिर भी कोई नहीं समझता है, वही वही प्रश्न बार बार पूछता है, तो सेवा का हिसाब बनता है ना, वही सेवा दूसरी नई नई आत्माओं की वो सेवा करे, और वो पुरानी आत्मा है वही वही प्रश्न पूछती रहती है, हिसाब किताब बनेगा ना उस आत्मा में। ये तो भाषा की एक मिसाल दी है,
कोई भी प्रकार की सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा है जो जो हम लेंगे और जिससे भी लेंगे वो हम उसको देना चुपचू करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वाचा की सेवा भी किससे करनी पड़ती है? वाचा की बात जैसे कोई बात पूछी, बात जैसे वो पूछी, एक बार पूछी जवाब दे दिया, फिर उसका ध्यान नहीं दिया, फिर भूल गई, फिर दोबारा पूछी, दो तीन बार बाप को समझाने का है, लेकिन बार बार कोई पूछता रहे और उसको ध्यान न दे, अलविदा हो जाए, वही वही खराब बनेगा। आप वो दिखाओ ना अपना जो आप बहुत अच्छा बना के लाएंगे गीता का बाबा इंस्पिरेटिंग पार्टी माने मम्मा बाबा की सोल जब हम बच्चों में प्रवेश करके सारा कार्य करा रही हैं, तो जब वो प्रवेश करती हैं, तो उनके भी बीज रूपी स्टेज होती है। जो बीज रूपी स्टेज वाले बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या जड़ों जड़ों के ऊपर बैठे बैठाए हुए दिखाई गए वो ज्यादा पावरफुल है? बीज रूपी स्टेज उनसे कम के रंग में आएंगे तो उनकी बीज रूपी स्टेज नहीं बनेगी। वो आधारभूत आत्माएं बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगी तो बीज रूप आत्माओं के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? वो बीज रूप बन जाते हैं। तो जिनमें प्रवेश करेंगे उनको पता नहीं लग पाता, उनका आवाज नहीं बीज बीज का कैसे पता चलेगा? कोई पावर मिल रही है, है? कोई पावर मिल रही है ये अंदाजे से। हाँ इंस्पिरेटिंग पार्टी है ना, इंस्पायर करेगी। भगवान कृष्ण है, शिव बाबा है, दोनों का दिव्य है। तो बोल करना था शंकर के पुत्र शिवलिंग में जैसा बनवा था। मुझे तो पॉइंट भी दिए, तारीखें नहीं दी। लिखियो बाबा, साथ ही साथ वो एक ही सीढ़ी के हैं बाबा, ये दो सीढ़ीज के हैं, सीढ़ी नंबर लिखे वो 476 481। यहाँ ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा दी। अरे नहीं बत्तीस चरणों वाला चित्र बाबा ने मुझे बोला है, मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष के बीज रूप है। मनुष्य की साकार है तो बीज भी तो साकार होना चाहिए, झगड़ाकार होगा, दुख हरता है सुख करता है। किसके लिए सुख करता, किसके लिए सुख करता, ओ सुख करता सुख करता किसके लिए? 500 करोड़ के लिए है? जो बच्चे बनते हैं उनके लिए, उनको अनुभव होता है कि दुख हरण हो जाता है और सुख महसूस होता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता है। मुक्ति वाला निसंकल्प स्टेज बन जाए, सब कुछ भूल जाए, कितना भी दुखी है संसार संपर्क में आए और थोड़ी देर के लिए सब भूल जाए, तो उसको कहेंगे मुक्ति हो गई। और जो संकल्प जो हमको दुख देने अशांति फैलाने वाले जो संकल्प है उनसे हम दूर हो गए, जीवन मुक्ति के दाता है।
जीवन भी रहे लेकिन दुख अनुभव न हो, सुख अनुभव हो लेकिन दुख अनुभव न हो। अकाल मूर्त है, कैसी मूर्त? उसको कोई काल खा नहीं सकता, प्रेम के सागर है, जन्म मरण से न्यारे हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आप जन्म लेती है, परमात्मा के बच्चे बनती है, निश्चय बुद्धि बनती है, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, लेकिन वो निश्चय बुद्धि हमेशा ही, अनिश्चय का सवाल ही नहीं। जन्म मरण से जन्म भी नहीं है, निश्चय बुद्धि बने तो जन्म भी हो। निश्चय बुद्धि आज से ही है, जो बार बार जन्म लेगा तो बार बार मरण भी होगा, बार बार मरण होगा तो बार बार जन्म भी होगा। परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, पिता जो ज्ञान का बीज बोए, यज्ञ के आदमी ज्ञान का बीज बोने वाला, परम शिक्षक जो व्याख्या करे वाणी की या शास्त्रों की व्याख्या करे तो शिक्षक, परम सदगुरु, सदगुरु माना सच्ची गति करने वाला, जीवन नैया को पार ले जाने वाले, नैया किसे कहा जाता है? शरीर रूपी नाव को, ये शरीर रूपी नाव इसे बैठे बैठे नदी के पार जाएगी, इसे सागर के पार जाएगी, इसमें डूब नहीं जाएगी, माना शरीर छूट नहीं जाएगा, लेकिन इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया बन जाएगी। जीवन नैया को पार ले जाने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है, क्या ब्रह्मा का प्रत्यक्षता करने वाला, विष्णु की प्रत्यक्षता करने वाला, शंकर के रूप की प्रत्यक्षता करने वाला कौन है? निमित्त कौन बनता है जो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है? अरे कोई निमित्त बनता है जो तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष करता है? वो ये की मूर्ति जिसके द्वारा उसे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीन आत्माएं भी प्रवेश है, शांति के सागर है, और विष्णु द्वारा दैवी शक्ति की पालना करते हैं, वो भी ठीक है, निराकार है। तो सारे ये मैंने 32 गुण जो बाबा ने बार बार मुरलियों में बोले हैं कि 32 गुणों वाला चित्र बनाओ, 32 गुणों वाला चित्र बनाओ, वो किसी की बुद्धि में ही नहीं आता। 32 गुणों वाला चित्र, ये किरण है जो दिखाई गई है, 32 गुण दिखाई गए हैं, वो साकार के गुण होते हैं या निराकार के होते हैं? बिंदी के गुण होते हैं क्या? बिंदी के गुण निर्गुण है। गीता का भगवान कौन? कृष्ण? नहीं, कृष्ण नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखने कृष्ण और ब्रह्मा, क्या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा, हाँ नीचे लिख दो, भले कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेख रहा है, काले अक्षरों से लिख दो, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेख रहा है, या निराकार से शंकर भोले ना कृष्ण उर्फ दादा लेख रहा है, दादा लेख रहा है ब्रह्म, ब्रह्म जड़ बुद्धि गीता के नर्क, समझ नहीं आएगा जड़ बुद्धि गीता के नर्क कैसे बनता है। पहला पॉइंट है हाँ, तो समझ में तो आएगा नहीं किसी को जड़ बुद्धि गीता के नर्क कैसे बनता है, क्या कृष्ण की गीता से नर्क, कृष्ण की गीता अर्थात कृष्ण दादा लेखराज के मुख से जो गीता सुनाई गई उससे उन ब्राह्मणों की दुनिया में नरक, ये थोड़ा ही बात है, कृष्ण के मुख से दादा लेखराज के मुख से जो गीता जो ज्ञान सुनाया गया उससे नरक बनी, ऐसे थोड़ी कहेंगे। वो जो कुछ ज्ञान सुनाया गया वो तो सही सुनाया गया, लेकिन समझा
समझा किसी ने, किसी ने नहीं, जब समझा नहीं तो फिर वो एक्ट में भी नहीं ला सकते, उससे स्वर्ग बन भी नहीं सकता। पहले तो जो कृष्ण के द्वारा दादा लेख रहा है, ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, जो मुरली बोली गई, वो समझ में भी तो आनी चाहिए ना, तो समझ में तो किसी को आई नहीं, मतलब समझ में ही नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल स्वर कैसे कोई बनाएगा, बनाने में सहयोग कैसे देगा। जो मुरली का महावाक्य नहीं किया है, व्याख्या दी, आप मुरली कहते हैं और ब्रह्मा कुमारिया जिसे मुरली कहते हैं उसमें अंतर है। ब्रह्मा कुमारिया सिर्फ ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी को ही मुरली मानेगी, या दादा लेखराज गुलजार दादी के तन में जाकर के जो वाणी सुना रहे हैं उसको मुरली मानेगी, इस व्याख्या को मुरली नहीं मानेगी। आपने ये व्याख्या लिखी हुई है, हाँ, तो आप समझाएंगे किसको, ये सारा लिख करके किसको समझाना है। ब्रह्मा कुमार तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाना है या जो समझे हुए हैं उनको समझाना है, तो वो ये पैराग्राफ देने से नहीं समझेंगे, तो वो इस पैराग्राफ को मोदी का महावाद से मानते हैं। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, और ये भी समझाना पड़े, इसलिए चित्र में एक तरफ नीचे लिखो विनाश काले बुद्धि विनश्यते और ऊपर लिखो विनाश काले बुद्धि विजयते, ऊपर जो है जो दिखाए गए हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं, नीचे जो बैठे हुए दिखाए गए हैं मतलब विनाश को प्राप्त हो गए, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई स्वर्ग वगैरह। जो कृष्ण और दादा ले रहे हैं गीता को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ये भी मुरली का वाक्य नहीं। निकल ले रही हाँ, तो आपके उसमें यंत्र में या तो कमी है या आपके बनाने में कोई कमी है? हमने भी करा तो नहीं हो रही है, इसने भी करा, हम लोग हमने भी इस कंप्यूटर में करा तो नहीं हो रही है। वो है डॉक्टर से पूछो ये बात, हम तो जानते नहीं ये सब, वो लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। और ये जो क्या है ये कनेक्शन कौन सा होता है बिजली को करंट का? मॉडम, मॉडम है क्या? मॉडम नहीं, ये टेलीफोन का एक स्पेशल कनेक्शन होता है, इंटरनेट डेटा, एक होता है उसमें पैसे लगते हैं और एक होता है 900 रुपया भरो तो कोई पैसा नहीं लगता, चाहे जितना उसको यूज करो। ब्रॉडबैंड कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कुछ हद तक बुनियाद हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती है, तो जो हद तक हो सकते हैं वो निकालो, वो लो रही है बाबा 400 तक के प्ले कर रहा ना, तो वो हो रही है उसके बाद से नहीं, उसके बाद भी अभी लो बाद अभी उन्होंने वो डाला नहीं है ना, जो 400 तक है वो उसमें ऐसा कुछ कर दिया है, 400 डाउनलोड हो जाएंगे, फिर उसी समय जब तक ये कनेक्शन है ना तब तक उस मुरली को सुन सकते हैं, और उसको जैसे अगर सीडी में कॉपी वगैरह करना है तो वो कॉपी राइट नहीं, 400 मतलब डाउनलोड हो जाती है, नहीं डाउनलोड नहीं हो रही है, मतलब वो सुन सकते हैं, वो ऑन करके देख नहीं सकते, कॉपी नहीं कर सकते, उसको लोड नहीं कर सकते, आपको बताया ये गया कि डाउनलोड भी ऐसी होगा कि डाउनलोड भी की जा सके, देर के लिए बंद है, नहीं टेम्पररी देर के लिए बंद है, नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हो, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद रखा है, डाउनलोड
विदेश में सब साधन उपलब्ध है, यहाँ इंडिया में पूरे साधन उपलब्ध नहीं है, जो विदेशी लोग हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं। जड़ बुद्धि गीता से नर्क, चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग, कुछ नहीं समझेंगे क्लियर क्या करेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन क्या देंगे? जड़ बुद्धि गीता से नर्क, चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग, दादा लेख रहा है मौजूद ही नहीं है, जगदम्बा का चित्र लेना पड़ेगा। नहीं नहीं उसमें ब्रह्मा का भी चित्र दे दे, इस तरह दे कि इससे समझ में आ जाए कि हाँ ब्रह्मा प्रवेश करता है जगदम्बा में। कंप्यूटर में ही अच्छे ग्राफिक्स बन सकते बनाने वाले कंप्यूटर पे बने अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं ना। कृष्ण की गीता से नर, शिव की गीता से स्वर्ग, कृष्ण दादा लेखराज के द्वारा गीता सुनाई गई वो गीता नहीं है, गीता तो है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है, अमृत नहीं है, मंथन नहीं किया गया। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, विनाश काले बुद्धि विजयते, लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आएगा। बाबा इसमें इतना ज्यादा डिटेल दे नहीं पाएंगे, उतना ही देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा चित्र नहीं बनाइए, उतना ही दीजिए जो बिल्कुल क्लियर हो समझ में। एक एक पॉइंट का क्लेरिफिकेशन से देते हैं, अरे वही पॉइंट इकट्ठे करिए जिनके पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसी झगड़ा तो बहुत बड़ा चलेगा, इसको समझने वाले हैं बहुत थोड़े और अपोजिशन करने वाले होंगे बहुत जबरदस्त ज्यादा। ब्रह्मकुमारियां तो है ही, लेकिन एडवांस पार्टी में भी जो समझने वाले हैं नहीं समझेंगे। और रिफाइन करो अच्छा है, एक बार ब्राह्मण जन्म लेने के बाद दो तीन जन्म और लेने पड़ते हैं ऐसा मुरली में आया ना भाई, चार जन्म हो गए? नहीं नहीं दो तीन जन्म लेते हैं जगदम्बा के, कोई कोई बच्चे हैं जो दो तीन जन्म भी ब्राह्मण जन्म में लेते हैं लेकिन दो जन्म तो उनका स्त्री का चला, और जगदम्बा के लिए बोला है या नहीं बोला ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बोला है कि दो तीन जन्म भी कोई कोई ब्राह्मण बच्चों के होते हैं। ब्रह्मा का तो सिर्फ एक ही जन्म होता है, कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जिनके दो तीन जन्म भी होते हैं। दो जन्म लेने वाले तो मोस्टली सारी एडवांस पार्टी के, लेकिन कौन कौन से तीन जन्म भी होते होंगे? तीन जन्म भी होते हैं तो जो आदि वाली जो आदि गीता माता है उन्होंने तो
स्पीच वाला लिया था सन 36 में जो था वो स्टेज वाला था, बाद में फिर जो अभी जगदम्बा का जो पार्ट है कमला देवी दीक्षित जो है वो उन्होंने 66 में जन्म लिया, तो उसका 20 का जन्म भी तो पुरुष का होना चाहिए या फिर स्त्री का होना चाहिए? तीन जन्म थोड़े स्त्री के होते हैं, तो पुरुष का जन्म हुआ होगा, जरूर पुरुष का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो जन्म स्त्री के हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो जन्म पुरुष के हो सकते हैं, तीसरा जन्म नहीं हो सकता। कई बार सुनने में बताया गया कि पंच में एक ही ट्रेन चलेगी जिसमें जो बैठ गया तो बैठ गया, ये सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए है ना, देखो ये तो बाद में कई ट्रेनें चल, जब 47 में हुआ था तो मैं भी उसी ट्रेन में बैठा था, लेकिन मैं तीसरी चौथी ट्रेन में बैठा था, तो कुछ पहले भी ट्रेन चली, लेकिन छठी सातवीं ट्रेन में मार कटी, मार काट ज्यादा हो गई, मार काट ज्यादा हुई, पहले नहीं हुई। तो इसी तरह अगर कंपेयर किया जाए तो शुरू शुरू जो ट्रेन होगी जो सूर्यवंश निकल जाएंगे बाद में जो आएंगे ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, तो पहली पहली बार जो ट्रेन निकल जाएगी तो निकल जाएगी तो सूर्यवंश ही जाएंगे अंदर, फिर कोई भी जा दूसरे तो इतनी हिम्मत ही नहीं करेंगे, दूसरे जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालेंगे वो पहले पहले कौन होंगे, दूसरे कैसे हो जाएंगे? जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठा हुआ हो वही तो नष्ट मोह बन सकेंगे, पूरा ज्ञान ही नहीं बैठा होगा तो नष्ट मोह कैसे बनेंगे? जितने डिस्कशन के शिविर देखते हैं कोई एक टाइम ऐसा आता है कि सबकी निर्संकल्पी चेंज हो जाती है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कोई कोई आइस ब्रेक कर, कोई मतलब दो मिनट के लिए शांत हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए, मतलब प्रैक्टिकली सब वार्तालाप में किसी चीज में यह जरूरी है, जैसे अभी बम्बई में तो शांत होते ही कलकत्ता वाले भी शांत नहीं होते होते हैं, मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ, जनरली ये लास्ट में एक घंटा क्वेश्चन आंसर करने के बाद होता है, शांत हो जाती है, बम्बई में तो शांत नहीं होते, उनको दो दो घंटे भी वार्तालाप चलता रहता है और तो भी चुप नहीं होते, लेकिन मोस्टली जनरली देखा है कि ऐसे ये ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मानववाद में जाते हैं, मानववाद करते हुए जो याद है अच्छी होती है, बल्कि पता नहीं लगता कितनी दूर पहुंचे, कई बार बैठने से मन इधर उधर भटकता है, चलने से एक ही बैग में रहता है, ऐसा क्यों बैठने से और अच्छी याद आनी चाहिए? प्रैक्टिस पड़ गई, चलते चलते याद करने की प्रैक्टिस पड़ गई, तो पड़ गई। इनका 63 जन्मों का बैठ करके याद करने का अभ्यास पड़ा होगा, वो बैठ के ही याद करेंगे, चलते फिरते याद नहीं कर पाएंगे। कोई हठयोगी कैटेगरी के है, कोई राजयोगी कैटेगरी के, सब मंथन में लगे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछे भी जानते हैं, हां क्वेश्चन होते भी बात होते एक्चुअली क्या इतने डिस्कशन से के क्या सारे क्वेश्चंस के ना समाधान हो गया, मिल जाते हैं तो बहुत बुद्धि जाते हैं, तो बहुत काफी 80% 90% समाधान, काफी समाधान मिल जाते हैं, तो ये तो क्वेश्चन और फिर मुरलियों में सब पूरा हो जाता, तो
कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन जब प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ तो सामने एकदम मिल रहा है। बाबा ने इंद्र नाम बोला है बाबा कि 8 घंटे याद होने के बाद ही पास हो पाएंगे, तो 8 घंटे याद तो इस दुनिया में रहते हुए तो पॉसिबल है क्या? मुमकिन नहीं है इस दुनिया में रहते हुए। तो थोड़ा बताया 24 घंटे में टोटल 8 घंटे याद होगी, तो लगातार 8 घंटे वैसे भी दुनिया में रहते हुए बीच बीच में भी 24 घंटे दुनिया में नहीं तो दुनिया में पहुंच जाएंगे।